ये भारत सरकार को जो संघीय ढांचा हमारे देश का है लोकतंत्र में, उसमें राज्यों को कैसे मजबूत करें, क्योंकि विकास जो होता है गांव तक वो होता है राज्यों के थ्रू होता है। तो केंद्र की नीति होनी चाहिए कि राज्य सरकारें मजबूत रहे, तब जाकर के चाहे वो कोरोना का मुकाबला करना हो और चाहे वो विकास की बात हो, तब संभव होगा। एनडीए गवर्नमेंट उल्टा चल रही है, हर बात में हिस्सा राज्य सरकार का बढ़ा देती है। पहले जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती थी, CSS कहलाती थी, उसमें 80-20 होता था, 20 राज्यों का और 80 होता था केंद्र का सभी योजनाओं में। अब समय के साथ साथ इन्होंने सबके 50-50% कर दिया, 50% केंद्र का, 50 कर दिया राज्यों का। राज्यों के पास वित्तीय संसाधन बहुत कम होते हैं और कोरोना में और बड़ी मार पड़ गई, एक तो वो मार पड़ रही थी। अब जो जल जीवन मिशन है इसके अंदर भी आप बताइए कि 50-50% होगा, 45 केंद्र का, 45 राज्य का और 10% पब्लिक से इकट्ठा करो। ये जो स्कीम बना रखी है उसके कारण से कल भी मुझसे डेलीगेशन मिले थे कि हमें बड़ी तकलीफ आ रही है, किस प्रकार मोबिलाइज करें गांव में, कैसे कलेक्शन करें। तो ये जो स्थिति है ये केंद्र को समझनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी ने जो राष्ट्रपति भवन में कॉन्फ्रेंस हो रही राज्यपाल गणों की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्थिति देखते हुए, राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है, यहाँ पर दूरियाँ बहुत है, एक गाँव दूसरे गाँव के बीच में दूरियाँ हैं, सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ में रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गांव ख़त्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया वहाँ पर बाउंड्री, यहाँ हमारे तो एक गांव ख़त्म हुआ दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, डाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ राज्यपाल महोदय के कहने का एक मायने होते हैं, उन्होंने जो अपने दिल की बात कही है वो राजस्थान की स्थिति देखने के बाद कही है, सोच समझ के कही है, और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय कहने के बाद में केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा और अवश्य कोई निर्णय करेंगे जो राज्य हित में होगा, मेरा मानना है। दूसरा, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उस पर ही केंद्र सरकार की नीति बहुत ख़राब रही है, रोड दाम बढ़ाते गए 25-30 रुपये बढ़ा दिए और अचानक 5 रुपये कम कर दिए, 10 रुपये कम कर दिए। अरे आपने साल भर में बढ़ाए इतने ज़्यादा हैं, और तो 2020 के अंदर तो एक साथ जंप किया था 15-20 रुपये का, और जंप करके लगातार बढ़ा करके आप उसके बाद में खाली दिखावे के लिए 5-10 रुपये कर दो कम। और मैं पहले ही कह चुका हूँ जितना वो कम करते हैं स्वतः राज्य सरकारों का हिस्सा वैट का जो होता टैक्स का वो कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में अभी जो इन्होंने कम किया है उससे हमारा 1,800 करोड़ रुपये कम मिलेंगे हमें टैक्स का, और मैं खुद 10 महीने पहले 2% कम कर चुका हूँ महंगाई देखते हुए राजस्थान के लिए, जहाँ उसको किसी राज्य ने नहीं किए थे, खाली राजस्थान ने किए थे। 1,000 करोड़ का हमें राजस्व की हानि हुई थी। अब हमने मांग करी आप 10-15 रुपये और कम कर दो, आप कम करोगे तो हमारे 3500 करोड़ कम होंगे राजस्थान के, 3500 करोड़ वो हमें मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक की जेब खाली जो हो रही है वो बंद होना चाहिए, और रसोई का बजट बिगड़ रहा है महिलाओं का वो बंद होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के तत्वाधान में जो प्रदर्शन हुआ है जयपुर के अंदर,
और जो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस से प्रोग्राम दिया है वो प्रोग्राम चलेगा पूरे देश के अंदर। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को समझ में आ जाएगी कि आज महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उनको भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते फैसला नहीं किया तो। जहाँ तक बात है हमें रेट कम करने की सलाह दी गई है, वो सलाह क्या दी उन्होंने, मैं उनको सलाह मैं दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि आप कृपा करके आप कम कीजिए, हमारा स्वतः कम हो जाएगा तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी पूरे देश के अंदर। वरना राज्य सरकार अलग अलग कंपटीशन कर रही है, कोई 2 रुपये बढ़ा रही है, कम कर रही है, कोई 5 रुपये कम कर रही है, कोई 7 रुपये कम कर रही है, उससे और ज़्यादा असमानता आएगी। फिर भी हमने तय किया है कि हम परसों बुलाएंगे कैबिनेट मीटिंग, बुला रहे हैं परसों कैबिनेट में और मंत्रिपरिषद की बैठक में बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे, जो भी संभव होगा वो हम लोग फैसला करेंगे। क्योंकि राज्य सरकार ने अलग अलग काम किए हैं, अब इतना इम्बैलेंस हो गया है राज्यों के बीच में, हमारे पड़ोसी राज्यों में और हमारे में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। अनावश्यक हमें हमारे ऊपर आरोप लगते हैं हम कम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम मांग जो कर रहे हैं वो हर आदमी समझ नहीं पाता, जब तक कि आप गहरे में नहीं जाएगा वो समझ नहीं पाता। हमारी मांग है कि आप जो कम करोगे उसके अनुपात में हमारा स्वतः कम हो जाएगा। 3,500 करोड़ रुपये कम होंगे वो किसे कहते हैं, वो हमें मंजूर है और जनता का भला हो जाएगा। और हम कम करते फिरेंगे तो कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा कम होगा, वो अच्छी बात नहीं, ये मेरा कहना है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी दौरे पे थे, दावा किया है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, दीवार पे लिखा हुआ है। अरुण सिंह जी प्रभारी है ये। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे और बेहद अहम बातें उन्होंने अभी कही, मीडिया के सामने रखी, और साथ ही ये भी कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र कम करता है तो उसकी वजह से भी राज्य पर भार पड़ता है, तो ऐसे में गहराई में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि महंगाई आज के वक्त में बड़ा मुद्दा है। आज़ादी के बाद पहली बार महंगाई का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ ही ये भी कहा कि कमी हम निश्चित तौर पर कर रहे हैं पर अब ऐसे में बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बात की गहराई में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं ये एक और खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुब्बारे आसमान में छोड़े गए हैं और अब इसके बाद सीएम अशोक गहलोत आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस और वो जाते हैं, क्या तय कार्यक्रम उनके हैं आज, क्योंकि कई कार्यक्रमों में शिरकत उनको करनी है, बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल आज उनका है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है तो ऐसे में कई कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामनिवास गार्डन पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत और यहां पर पहुंचकर उन्होंने पंडित नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। अब उसके बाद गाड़ी में वो बैठ चुके हैं, कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, कई लोग उनके साथ सेल्फीज क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोज क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के फ्रंटमैन फ्रंट सीट पर आपको नजर आ रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज और ऐसे में कई खास कार्यक्रमों का आयोजन, और इन्हीं खास कार्यक्रमों में से पीसीसी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया पुष्पांजलि का, वहां पर वो शिरकत करने के लिए पहुंचे, पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की, चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उसके बाद मीडिया से भी बात की, फिर रामनिवास गार्डन पहुंचे। रामनिवास गार्डन पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की, पौधारोपण किया और उसके बाद फिर मीडिया से बात करते हुए कई अहम बातें कही।